नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन। खबर गौतम नगर के जेवर क्षेत्र के गांव चौरली से है, जहां पर आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने हाथ में भारतीय तिरंगा लेकर देश के अहम शहीदों को याद किया व अमर शहीदों के जयकारे लगाए। भारतीय आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा करने को लेकर प्राइम न्यूज 24 से की खास बातचीत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर खन्ना। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के जेवर क्षेत्र इलाके के एक चौरौली गांव में, जहां पर इस वक्त मैं आया हूं धर्मशाला पर, जहां देश के नौजवान साथी लोग जो आर्मी के जो फैंस हैं वो देश की तैयारी कर रहे हैं आर्मी में जाने की। आखिर क्या तैयारी कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, वो देश के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं और क्या कुछ नहीं करना चाहते, उन सभी जवानों की मन की बात सुनेंगे। मेरे साथ हैं, क्या नाम सर आपका? लोकेशन मिला। अच्छा, ये बताइए आप आर्मी में कब से मतलब इंटरेस्ट ले रहे हो, कब से तैयारी कर रहे हो आर्मी की? पिछले करीब 3 से 4 साल से तैयारी चल रही है आर्मी की और एक जुनून है आर्मी का। अच्छा, क्या कुछ करना चाहते हो अपने देश के लिए? देखिए, ये सभी जानते हैं कि प्रत्येक भारत का नागरिक अपने देश के लिए मर मिटना चाहता है। वहाँ पर जाकर, सीमा पर जाकर एक जवान के रूप में वह मजबूत स्थिति में खड़ा होकर अपने देश के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। उसी उद्देश्य से यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे साथी, छोटे भाई मेरे साथ के सभी यहाँ पर तैयारी में लगे हुए हैं। इन सभी का एक ही उद्देश्य है, आर्मी में पहुँचकर अपने देश की सेवा करना। अच्छा, और आप कब से तैयारी कर रहे हो आर्मी की? मुझे भी पिछले 3-4 साल हो गए। मेरा नाम विष्णु शर्मा है और मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो साथी हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि 74वें स्वतंत्र दिवस की सबको हार्दिक शुभकामना देश प्रेमियों को, और ये कहना चाहूँगा कि जितनी मेहनत ये सारे कर रहे हैं इनको भगवान फल जरूर दे। काफ़ी जुनून, और सब देख रहे हो आप, समय भी लगभग 3:30 के करीब है, 4 के करीब है। इस भी धूप में, इतनी तेज पारे में, सब चीज़ देखते हुए भी, बालक मेहनत करते हुए भी काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं, मेहनत अच्छी चल रही है यहाँ पे। अच्छा, सरकार ने जो आर्मी के लिए जो दौड़ थी वो सरकार ने इस वक्त उस पर रोक लगा दी थी, आपको उससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि कोरोना जैसे महासंकट बीमारी को देखते हुए सरकार ने उस पर रोक लगा दी थी? देखो, ये भी सरकार का फैसला अच्छा है कि कोरोना को, वो भी नहीं चाहते कि बच्चे यहाँ पर आएँ और काफ़ी वो हो, तो इसकी वजह से स्कूल भी नहीं खुल पा रहे हैं, शिक्षा की भी वो चल रही है, तो इसी वजह से सही है। अभी भी रोक है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार भी कुछ सोचेगी, हमारे हो सकता है कि 1-2 साल उम्र के लिए हमें छूट दे दें, पर सरकार का फैसला सही है। जी बिल्कुल। और आपका क्या नाम है? मेरा निखिल जनवरा है। अच्छा, आप क्या करना चाहते हो देश के लिए? आप भी आर्मी फैंस हो, आर्मी के लिए आर्मी में जाना चाहते हो? हाँ जी बिल्कुल, मैं करीबन 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, देश की तैयारी कर रहा हूँ, और मेरे यदि उद्देश्य है कि मैं आर्मी जाना चाहता हूँ। अच्छा, आपके परिवार में से, घर में से कोई आर्मी लाइन में है? हाँ, मेरे चाचा जी आर्मी में है, वो करीबन उन्हें 12-13 साल हो गए उन्हें आर्मी में, चाचा जी हैं। तो ये वो सब लोग हैं जो आर्मी के फैंस हैं और जो आर्मी में जाना चाहते हैं और अपने देश की सुरक्षा और रक्षा करना चाहते हैं। इन सभीयों का कहना ये है कि वो देश के लिए काफी कुछ करना चाहते हैं और काफी कुछ कर भी रहे हैं। ऐसे ही है, काफी सालों से मेहनत कर रहे हैं, इन्हें विश्वास है कि ये जरूर अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करके मानेंगे और अपने देश की रक्षा जरूर करेंगे। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ समीर खान, प्राइम न्यूज 24 के लिए ग्रेटर नोएडा चौरौली।